ये स्टोरी दो फ्रेंड के बारे में है। दोनों अपने गांव से शहर गए हुए थे और शहर से जब वापस आ रहे थे तो काफी लेट हो गया और हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। तो शहर से गांव तक जाने का रास्ता थोड़ा सा लॉन्ग था, लेकिन जंगल से होकर के गुजरता तो थोड़ा शॉर्ट पड़ रहा था। तो उन्होंने डिसाइड किया कि चलो जंगल से होकर के ही हम लोग गुजरते हैं। तो हल्की हल्की जब बारिश हो रही थी तो जिसके कारण उनको धीमे चलना पड़ रहा था और लेट हो गया और उसी जंगल में वो लोग खो गए। और उसमें से एक दोस्त काफी ज्यादा डरपोक था, उसने बचपन में बहुत सारे भूत वाली कहानियां सुनी थी। तो वो बोलने लगा कि यार जंगल में रहना सही नहीं है, भूत प्रेत का डर होगा, बहुत सारे चुड़ैल लोग भी घूमती है, तो इसलिए क्या है ना कि यहाँ से निकलने की कोशिश करो। तो उसने बोला देखो निकलने की कोशिश तो कर ही रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है जंगल में ही रात बिताना पड़ेगा और भूत ऊत नाम का कोई चीज होता नहीं है, इसलिए टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसके बाद दोनों ने एक जगह ढूंढा जहां पे थोड़ी सूखा हुआ था और वहां पे जाकर के सोने का प्लान किया। दोनों तो सो रहे थे, लेकिन जो एक डरपोक था वो किसी तरह से सोने की कोशिश कर रहा था, अगल बगल से आवाजें सुनाई उसको दे रही थी, लेकिन धीरे धीरे करके वो सो गया। और 1 घंटा के बाद उसको दिखाई देने लगा कि एक झाड़ी से एक काला कलर का जो साया होता है भूत टाइप का, बड़े बड़े हाथ नाखून टाइप के, उसके गर्दन की तरफ जा रहा है। और जैसे पहुंचने ही वाला था तो वो चीखते हुए उठा और अपने दोस्त को बताया। तो दोस्त उसका उठा और बोला कि सुन, इस बार अगर भूत आएगा ना तो तुम बोलना कि मैं तुमसे डरता नहीं हूं, सामने आओ मेरे। ये स्टेटमेंट उसको मंत्र दे दिया और इतना कह के वो सो गया। उसके बाद फिर वो सोया और सोने के बाद फिर वही भूत आने लगा, वही काला कलर का, बड़े बड़ी हाथ नाखून उसके चेहरे की तरफ जा रहा था। तो इस बार वो जोर से बोला कि मैं तुमसे डरता नहीं, सामने आओ सामने आओ। करीब 4-5 बार जैसे बोला ना तो वो भूत का जो शेप था वो पीछे जाने लगा और धीरे 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 करके वो छोटा होने लगा, छोटा होते होते वो गायब हो गया। और उसके बाद सुबह उठा, उसने सारी बात फ्रेंड को बताया और अब उसका डर खत्म हो गया। कुछ तो बोर हो रहे होंगे कि सर ये क्या स्टोरी बताई आपने, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो एक इमेजिनरी स्टोरी है। ये इमेजिनरी स्टोरी भले है, लेकिन इसको भी अपने लाइफ में मैं प्रैक्टिकली यूज करता हूं कि जब भी मुझे टेंशन होती है या कुछ ऐसा चीज लगता है कि मेरा प्रॉब्लम मेरे हौसले से अगर बड़ा लगने लगता है और हौसला मेरा छोटा लगने लगता है तो मैं इसको रिवर्स करने की कोशिश करता हूँ। पहले अपने प्रॉब्लम को बहुत बड़ा कर देता हूँ, इतना बड़ा कि थोड़ा बेचैनी होने लगती है मेरे, और फिर इमेजिन करता हूँ धीरे धीरे वो छोटा होते जा रहा, छोटा होते जा रहा, छोटा होते जा रहा, छोटा होते होते एकदम छोटा सा डॉट बन गया है, उसको फूंक मार के फिर उड़ा देते हैं। इससे मैंने अपने प्रैक्टिकल लाइफ में इस चीज को अप्लाई किया है, आप भी इसको ट्राई करके देखना कि कभी किसी चीज़ से अगर डर लगता हो या कोई टेंशन बार बार हावी हो रहा हो तो उसको इमेजिन करके छोटा सा में कन्वर्ट कर दो। जैसे किसी पर्सन के बारे में, मान लो किसी से लड़ाई हो गई, बार बार उसका यार ख्याल आ रहा है या उसे डर लग रहा है, तो इमेजिन करो वो आपके सामने एकदम छोटा सा बन गया है, छोटा सा, और उसको वहां से देखो चीख चीख रहा, चिल्ला रहा, छोटा, उसका आवाज भी नहीं पहुंच रहा मेरे। एक बार करके देखना, ये प्रैक्टिकली जब तक नहीं करोगे एहसास नहीं होगा आपको, ठीक है? ये प्योरली इमेजिनेशन है। और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या कहा था, इमेजिनेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन नॉलेज। उसने फोटोन पे जब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जब डिस्कवर कर रहा था ना तो इमेजिन कर रहा था कि छोटा बच्चा बन गया है, साइकिल चला रहा है, यूनिवर्स में साइकिल चला रहा है और एक फोटोन पे बैठ जाके बैठ गया है। फोटोन समझ में आ रहा है ना, लाइट का छोटा सा एकदम स्मॉलेस्ट पार्टिकल, वहां जाकर के बैठ गया है। और ऐसे इमेजिन कर करके वो इतनी बड़ी डिस्कवरी उसने किया, इतना बड़ा इन्वेंशन किया। तो इमेजिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भी इमेजिनेशन ही है। आपके माइंड में भी बहुत सारा नेगेटिव ख्याल आता है, वो पता है रियल चीजें नहीं होती है, वो भी एक इमेजिनरी दुनिया ही है। आप चाहो या ना चाहो इमेजिनेशन का यूज कर ही रहे हो आप, तो जब करना ही है तो पॉजिटिव सेंस में करो उसको, बस डर है ना। कोई अगर आदमी का देख करके चिढ़ होती है, टेंशन लगता है, उसको देख करके गुस्सा आता है, तो इमेजिन करो कोई कार्टून टाइप का उसका कैरेक्टर डिजाइन कर लो और इसका कान बड़ा हो रहा है,
देखो इसका मुंह बड़ा हो रहा है, ये तो डोरेमोन जैसा लग रहा है, अंदर ही अंदर आपको खुश हो रहे हो और उसको बड़ 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 बोलते जा रहे हो। कभी कभी मम्मी गुस्सा रही है तो हम इमेजिन करते रहते हैं, ठीक है इसका मुंह बड़ा हो गया मम्मी का, ठीक है समझ आ रहा है, ज्यादा गुस्सा में लेकिन अंदर से ही हंसना, मुंह खोल के मत हंस देना नहीं तो और चप्पल पड़ेगा फिर, ठीक है। तो इसको करके देखना, ट्राई करना, क्योंकि जब तक ट्राई नहीं करोगे कुछ पता नहीं चलेगा, ठीक है। इसको अपने लाइफ में अप्लाई करना फिर देखना। चलिए आज के लिए इतना ही।